이제 go. तो कैसे हैं गाइस आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर और हमारे चैनल के अंदर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ सीवी रीडिंग बैकग्राउंड्स देने वाला हूँ, जिन बैकग्राउंड्स को यूज़ करके दोस्तों आप अपनी फ़ोटो को सीवी रीडिंग जैसा लुक दे सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप नीचे देख रहे होंगे लाल कलर का आपको सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में दोस्तों आप बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि दोस्तों मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूंगा आपको ऊपर से एक नया नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगा कि आप बैकग्राउंड्स को डाउनलोड कर सकते हैं, फिर उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो गाइस चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोगों को क्रोम ब्राउज़र ओपन करना होगा। आप दोस्तों कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र यूज़ करता हूँ, इसीलिए मैं अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करूँगा। आप जैसे ही अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च ऑफ टाइप वेब एड्रेस में आपको टाइप करना है आर्क एडिटर जोन। गाइस आप यहाँ पे आर्क एडिटर जोन सर्च कर लीजिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। आप जैसे यहाँ पे आर्क एडिटर जोन सर्च करेंगे, उसके बाद सर्च होने के बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आर्क एडिटर जोन लिखा है, आपको इस पर क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक कर दोगे आप हमारी नई ऑफिशियल वेबसाइट में ओपन हो जाओगे, नए होम पेज में दोस्तों आप ओपन हो जाओगे। उसके बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना है, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सौ न्यू सेवी रेडिस बैकग्राउंड वायरल, आपको इस वाले फ़ोटो पे क्लिक करना है। चलिए दोस्तों मैं आपकी अभी फ़ोटो को ओपन हो जाने देता हूँ, जब तक वेट कर लेता हूँ। जैसे हमारी फ़ोटो ओपन हो जाएगी उसके बाद हम लोगों को इस पर क्लिक करना है। हम जैसे अपनी फ़ोटो पर क्लिक करेंगे उसके बाद हम लोग नए होम पेज में ओपन हो जाएंगे। अब उसके बाद गाइस आपको डाउनलोड कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आप यहां से पढ़ सकते हैं, मैंने यहां पे बताया हुआ है कि आप इन बैकग्राउंड्स को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। गाइस यहां पे सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने आपको यहां पे वन बाय वन भी आप यहां से बैकग्राउंड्स डाउनलोड कर सकते हैं, या तो दोस्तों आप जिप फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको वन बाय वन भी डाउनलोड करके दिखाऊंगा कि आप उन बैकग्राउंड्स को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरी बात यह अच्छी है कि मैंने यहां पे आपको डाउनलोड सीवी रेटिंग ऐप दिया है, जो गाइस यहाँ पे आप इस पे ऐप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर मेरे दोस्त का ये एप्लीकेशन है, इसमें आपको सीवी रेटिंग जैसे ढेर सारे बैकग्राउंड्स मिल जाएंगे और पीएनजी भी मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से इस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम अपनी अभी आपको बताते हैं कि आप बैकग्राउंड्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको स्क्रॉल डाउन करना है, उसके बाद आप यहाँ से वन बाय वन भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कैसे डाउनलोड करना है, आपको इस पर ओपन करना है। जैसे बैकग्राउंड पे जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको डाउनलोड इमेज का ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपसे फिर से एक बार डाउनलोड का ऑप्शन पूछा जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आपका बैकग्राउंड डाउनलोड हो जाएगा। आप यहाँ से ओपन करके देख लीजिए, आपका बैकग्राउंड डाउनलोड हो गया है। अब हम आपको दूसरा स्टेप बताते हैं। आप यहाँ से दोस्तों वन बाय वन भी बैकग्राउंड डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे जिप फाइल बताऊंगा कि आप जिप फाइल को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको स्क्रॉल डाउन आना है, स्क्रॉल डाउन आने के बाद आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप जैसे ही डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप मीडिया फायर वेब में ओपन हो जाएंगे। आप जैसे ही मीडिया फायर वेब में ओपन हो जाएंगे उसके बाद आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। 21.81 MB की फाइल है, आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। आप जैसे डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, आपको रार फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। आप रार फाइल दोस्तों प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वरना मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से रार फाइल को ओपन कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिएगा। अब डाउनलोड करने के बाद आपको रार फाइल ओपन करनी होगी। चलिए हम आपको बताते हैं। आप जैसे रार फाइल ओपन करेंगे उसके बाद आपको जो आपने फाइल डाउनलोड की ना उसको आपको वैसे आपको जैसे रार फाइल में ओपन आ जाएंगे आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको तीर का ऑप्शन दिख रहा है, आपको तीर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। आप जैसे ओके पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा, आपको पासवर्ड में लिख देना है आर्क एडिटर जोन। वैसे आप जैसे आर्क एडिटर जोन लिख देंगे वो आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपकी फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। फाइल एक्सट्रैक्ट होने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे आपके बैकग्राउंड एचडी में ओपन हो गए हैं। ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए।